यार सबको एक फ्रेम में देख के कितना अच्छा लग रहा है ना, तीन रथ, एक ये, ये और ये, और पीछे मंदिर। यार परसों मजा आ जाने वाला, इतना तो है। तो फाइनली भाई लोग जगन्नाथ भगवान के दर्शन हो गए। बस सामने समुंदर है और तीन घंटे से मैं यहाँ पे बैठ के उसको देख रहा हूँ। एक बढ़िया सी जगह मिल गई है, बैग मैट भी छाया है मैंने। मतलब मेरा सपना था कि मैं कभी समुंदर किनारे बैठ के ना दबा के देखूँ और जो हवा आ रहा है उसको फील करूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के समुंदर देखना, आवाज़ सुनना। यार हवा बहने लगा बहुत तेज, मैंने तो निकाल लिया है अपना सॉल और उम्मीद है बारिश ना आए, क्योंकि भाई साहब अब मेरे को आ रहा है बड़ी ख़तरनाक नींद। और सामने है समुंद्र, मैंने तैयार कर लिया अपना बोरिया बिस्तर, अब मैं पटाऊंगा भाई, सो जाऊंगा कहने का मतलब। और एक सवाल बनता है यहाँ पर कि मैं बीच पर क्यों सो रहा हूँ, मुझे कोई रूम या होटल नहीं मिला क्या? तो भाई साहब जवाब है कि नहीं मिला। मैं धर्मशाला में बहुत पता किया, किसी भी धर्मशाला में एक भी बेड खाली नहीं था। और जब मैं होटल में बात करने गया तो वो जो चार्ज बता रहे हैं 3 दिनों के लिए, भाई साहब उतने में मैं 2 महीने घूम लूँगा। बात सिर्फ 3 दिन की है, कहीं ना कहीं मैं निपटा दूँगा, सो लूँगा भाई। और हम जो ट्रैवलर बंदे होते हैं उनको चाहिए भी क्या एक्सपीरियंस, तो ये मस्त वाला एक्सपीरियंस है भाई। बीच पर सो रहा हूँ आज रात में, बस बारिश ना आए यार, क्योंकि अगर बारिश आ गई ना तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। बट उम्मीद है कि बारिश नहीं आएगा। और ये जो तेज़ हवाएं हैं ये तो समुद्र में बहते रहती हैं, और समुंदर की आवाज़ यार। एक दो तीन, ओ भाई अबे नहला दिया यार, खत्म, टाटा बाय बाय गया। रात में सोने के लिए तो भाई साहब मैंने बीच पे बहुत ही बढ़िया वाली नींद मारी है। पता नहीं ऐसा क्या है यार नदियों की आवाज़ में और समुंदर की आवाज़ में कि मेरे को नींद बड़ी ही खतरनाक वाली आती है, या फिर मैं थका हुआ बहुत था। लेकिन जितने देर भी सोया हूँ ना, बड़ी बिंदास सोया हूँ। रात के 12 बजे मेरी नींद लग गई थी मेरे ख्याल से, और जस्ट अभी टूटी है, और बहुत ही गहरी वाली नींद आई थी यार। अच्छा हुआ कि धर्मशाला में रूम नहीं था, और अच्छा हुआ कि लॉज वालों ने बड़ी ख़तरनाक पैसा मांगा मेरे से। मैं आ गया यहाँ पे, रात में अलग ही दिख रहा था और दिन में तो भाई साहब। चल भाई, तो अभी मेरे को खोजना पड़ेगा अपने लिए एक वॉशरूम फैसिलिटी, क्योंकि सोने के लिए तो बीच है लेकिन वॉशरूम के लिए मुझे खोजना पड़ेगा। तो मुँह धोना है, नहाना है, और नहाने के लिए तो सोच रहा था समुंदर में ही नहा लूँ, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है अकेले घूमने की भाई साहब, सामान की रक्षा कौन करेगा। तो बस भाई लोग नहा धोवा के एकदम रेडी, और मुझे अपने सारे के सारे कपड़े धोने के लिए देने हैं। तो मुझे पता चला कि भाई इस गली में एक कपड़ा धोने वाला है, लॉन्ड्री सिस्टम, तो पता किया मैंने, बट दुकान अभी तक खुला नहीं है, थोड़ी देर में खुल जाएगा ये। तो जैसे ही दुकान खुलेगा मैं अपना सारा का सारा कपड़ा दे दूंगा धोने के लिए। अच्छा ये कितना दिन बाद आप लोग कपड़ा दे देते हो? अभी जैसे मैं दे रहा हूँ तो अभी हम 7 दिन का बाद देता हूँ। 7 दिन? हाँ। नहीं मेरे को तो 2 दिन में जाना है। 7 दिन बहुत हो जाएगा महाराज। आपको कब चाहिए? मतलब अर्जेंट, जितना अर्जेंट में मिल जाए, क्योंकि रथ यात्रा खत्म फिर मैं निकल जाऊँगा और मेरे ड्रेस पर, मेरे शरीर पर तो एक ही कपड़ा रहेगा। कितना ड्रेस है? हाँ वो पकड़ लेता है ना गर्मी में। हाँ मेन यही है, जो ये पसीना पकड़ लेते हैं ना। हाँ, तो महकने लग जाते हैं तो दोबारा पहन नहीं सकते। इतना तो? हाँ फिलहाल तो इतना ही है, बाकी दो वेस्ट। अब हम शाम आ जाइए। शाम में आ जाओ? आज शाम में आ जाइए, इसके पैसे दीजिए। हाँ वो पैसा तो मैं पे कर दूंगा, मतलब आज शाम को आ जाऊंगा तो मिल जाएगा? हाँ हाँ मिल जाएगा, 7 बजे। बढ़िया है भाई, इससे बढ़िया। ठीक है ठीक है, कितना पे कर दो? 160 रुपये। चलो भाई 160 रुपया मेरे को मिल जाएगा शाम तक। बढ़िया। आप लोग इसको क्या बोलते हैं? इडली। नहीं पूरा सेट को जो आप बना रहे हैं। अब ये
हल्का सा हल्का सा। पता नहीं क्या था यार, लेकिन जो भी था मज़ा आ गया खा के। मैं तो दो प्लेट खाया, पहले एक प्लेट खा लिया, फिर पेमेंट करने गया और पूछा कि कितना रुपया हुआ, तो बोला कि 30 रुपये। अब भैया 30 रुपये की इतनी अच्छी चीज़ है, मन में तो लड्डू फूटेगा ना। तो मैंने बोला भाई एक और लगा दे, 60 रुपये में पेट भर गया यार। वेलकम टू बीच अगैन। मेरे को एक ना केकड़ा दिखा, मैं उसी के पीछे भाग रहा था, तब तक लहर आ गया, पता नहीं कहाँ है। भाई लोग समुंदर पे आके ना दो काम जरूर करना चाहिए, पहला कि नहाना और दूसरा नारियल पीना। तो नहाने का काम तो मैं कर नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, लेकिन नारियल तो पी सकता हूँ। काटो सरकार। ओ भाई हमरो नारियल पानी तैयार। आजा वे खत्म हो गया, खत्म हो गया यार। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। भाई समुंदर बहुत देख लिया, अब मेरे को निकलना पड़ेगा। जय जगन्नाथ। तो भाई साहब तैयारी एकदम दबा के चल रही है इधर। 3 रथ अभी आधे अधूरे हैं, मेरे ख्याल से कल तक पूरे हो जाएंगे। पर ये क्या है, वायरस के लिए? गर्मी है, हाँ करने के लिए। अच्छा 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 भाई साहब, गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए पानी का फुहारा मारा जा रहा है। अच्छा लगे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं आर्टिफिशियल हल्का वाला बरसात। पहला दो इधर है, अभी इसका बनना जारी है, कल तक कंप्लीट होगा आई थिंक। यार सबको एक फ्रेम में देख के कितना अच्छा लग रहा है ना, 3 रथ, एक ये, ये और ये, और पीछे मंदिर। यार परसों मज़ा आ जाने वाला, इतना तो है। ये सारा का सारा मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। और यही जगह है भाई, मैंने कई धर्मशाला में पता किया, कोई भी जगह खाली नहीं थी, तो बीच पे सोना पड़ा, और वो भी अलग ही एक्सपीरियंस था भाई, मुझे कोई शिकायत नहीं है कसम से। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ भाई, लगभग सारी बिल्डिंगों के ऊपर ना ऐसा शेड बनाया जा रहा है, सारी बिल्डिंगों के ऊपर, उधर भी और उस साइड भी। मतलब भाई जिस दिन रथ यात्रा होने वाली है ना, बहुत भीड़ होगा और लोग सारे के सारे ऊपर वाला हिस्सा खोजेंगे। भाई मेरे को भी खोजना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा ताकि मैं थोड़ा सा ऊंचाई पर जा सकूं और देख सकूं सारा का सारा भीड़। और अगर नहीं हो पाया तो बहुत अफसोस होगा कसम से। तो आई होप कि हो जाए, कोई ऊंचाई वाली जगह मिल जाए उस दिन। इधर भी छतों पर बनाया जा रहा है, मुझे लग रहा है ना कि जहाँ तक ये रथ यात्रा होने वाली है वहाँ वहाँ छतों पर लोगों ने बनाया ही होगा। शूटिंग चल रही है। पूरा का पूरा गोप्रो भीग गया है यार, बाहर हालत खराब है यार। मार्केट का पूरा वेटिंग रूम हो गया।
बाहर बहुत गर्मी है। चलो भाई, पब्लिक अच्छा खासा बैठी पड़ी थी, खाली करवा दिया गया कोई पूरी बेइज्जती के साथ, लेकिन बेइज्जती का बदला लेंगे भाई। एक सेकंड यार, पब्लिक जाए भी तो कहाँ जाए इतनी गर्मी में, वैसे ही जगह जाएगी जहाँ बैठने को मिल जाए। लेकिन ये लोग थोड़ा सा रूड हो रहे हैं, कोई बात नहीं, उनकी प्रॉपर्टी है, बनता है उनका। मैं सोच रहा हूँ जाऊँ पानी के फवारे के पास, आराम से थोड़ा देर खड़ा रहूँ, शरीर थोड़ा ठंडा हो जाए। समझ में आ रहा है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। फिर से करो करो भाई, कर भाई, बहुत गर्मी है। और ये जो पानी गिराया जा रहा है वो इसलिए गिराया जा रहा है क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो नंगे पैर हैं बहुत सारे, तो सड़क तो गर्म होती है, तो भाई साहब उनके पाँव में तकलीफ़ ना हो उसके लिए किया जा रहा है। यानी कि भाई साहब हर चीज़ का व्यवस्था है यहाँ पे, और बढ़िया व्यवस्था है। लो भाई, लाइन लगना भी शुरू हो गया। बहुत भीड़ लगी है यार दर्शन के लिए, मेरा भी बड़ी मन है अंदर जाने का, लेकिन भीड़ देख के बस थोड़ा सा सोच में पड़ जा रहा हूँ। यार बड़ी दूर से पब्लिक आ रही है एंट्री गेट। मुझे थोड़ा बहुत हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो भाई मैं सोचता हूँ कि यार ये वही मंदिर है जिसको औरंगजेब ने लगभग 20-25 साल बंद करके रखा था अपने टाइम में। जब ऐसी ऐसी स्टोरीज मैं सुनता हूँ और वैसे लोकेशंस पर जब मैं पहुँचता हूँ ना भाई, अलग ही फीलिंग आती है जब हिस्ट्री से उसको कनेक्ट करके देखो। इस मंदिर ने ना जाने क्या क्या इतिहास देखा है भाई। बैग अपना 102 हाँ, बस हल्का सा ब्लॉगिंग के लिए। उधर है, उधर उधर, हाँ बड़ा, हाँ बड़ा वाला बैग ट्रैवलर बैग है ना, इसलिए भारी है। हाँ बहुत भारी है सर। लो भाई तो बैग हाथ में, फाइनली भाई लोग जगन्नाथ भगवान के दर्शन हो गए। लाइन में लगना पड़ा, बैग जमा करना पड़ा, मोबाइल जमा करना पड़ा क्योंकि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। इतने भीड़ में अंदर जाना, और एक बात कि अंदर जब मैं गया तो मुझे पता चला कि भाई लाइन रोक दी गई है, अब अंदर आना अलाउड नहीं है। तो मतलब मेरी किस्मत है कि मैं ऐसे टाइम पर गया जिसके पीछे मुश्किल से 50-60 लोग रहे होंगे और लाइन बंद कर दी गई। तो मेरी टाइमिंग कहीं ना कहीं सही थी, या फिर यूँ कह ले कि मेरी किस्मत कहीं ना कहीं सही थी। तो फिर मैं अंदर गया और दर्शन हुए मेरे, और इस दर्शन के पीछे भाई एक बहुत ही फनी स्टोरी है। 10 साल पहले मैं जब पूरी आया हुआ था तो मैं दर्शन नहीं कर पाया था, भीड़ भी बहुत थी उस समय भी, तो मैं दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि मैं भाई उस वक्त हाइट में बहुत ही छोटा था, तो लोगों ने दाब दिया था, पीछे रह गया था, तो दर्शन मैं कर ही नहीं पाया था। तो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था मुझे, लेकिन 10 साल पहले का अधूरा दर्शन आज जाके पूरा हुआ है, क्योंकि भाई साहब 88 किलो का शरीर है और 5 फुट 11 इंच की हाइट है, तो फ़ायदा हुआ है। तो मतलब एक तरह से 10 साल पुराना अधूरा दर्शन आज पूरा हुआ है, तो इसको लेके मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अंदर जाने के बाद मैं 3 तरह का प्रसाद खाया हूँ, एक तो जो थाली होती है, मतलब प्लेट होता है, जो पत्ता का प्लेट होता है जिसमें मिलता है, और फिर एक डेजर्ट के जैसा था कुछ, और तीसरा मिठाई, और फिर मैंने अपने लिए एक कड़ा लिया, ये एक हाथ में पहना है। तो अंदर जब मैंने देखा कि कड़ा मिल रहा है, तो एक याद के तौर पे, जगन्नाथ भगवान के याद के तौर पे मैंने ये कड़ा ले लिया, और इसको अब हमेशा पहनूंगा। तो बस बैठ के आराम कर रहा हूँ और अभी वीडियो एडिट करूँगा, ताकि इसी वीडियो को कल जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँ मैं।